तृप्ति डिमरी भले ही बड़ी एक्ट्रेस में शुमार हो गई हो, लेकिन तृप्ति डिमरी की जो पीआर टीम है वो शायद नौसिखियों की टीम है, क्योंकि तृप्ति डिमरी इन दिनों एक बड़ी मुश्किल में फंस गई है, और वो भी अपनी पीआर टीम की एक गलती की वजह से। दरअसल आप सभी जानते हैं कि एनिमल फिल्म के बाद तृप्ति डिमरी की डिमांड बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तृप्ति डिमरी के पास बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट रहे, अच्छी अच्छी फिल्में कर रही हैं, और इन्हीं फिल्मों में से एक है राजकुमार राव के साथ विक्की विद्या की वो वाली वीडियो। अब फिल्म जो है वो रिलीज होगी, उससे पहले फिल्म के प्रमोशन का काम चल रहा है। ऐसे में राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी शहर शहर जाके इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, और इसी क्रम में तृप्ति डिमरी और राजकुमार राव को पहुंचना था जयपुर। पहले से ही सब चीजें शेड्यूल थी, फाइनल थी। ऐसे में जयपुर की एक इवेंट कंपनी ने तृप्ति डिमरी की पीआर टीम से कांटेक्ट किया, और वहां पर एक प्रोग्राम जो है उसमें तृप्ति डिमरी को बुलाए जाने के लिए जो है बात की गई। 5 लाख रुपए में ये बात फाइनल हुई, जिसके लिए बकायदा 2 लाख रुपए जो है वो पीआर टीम को दे दिए गए थे, 3 लाख रुपए जो है वो बकाया थे। खैर, तृप्ति डिमरी जो है वो पहुंची, जयपुर पहुंची। उन्होंने तय समय पर विक्की विद्या की वो वाली वीडियो का प्रमोशन तो किया, लेकिन जिस इवेंट के उनकी टीम ने पैसे लिए थे, 2 लाख रुपए ले चुके थे, उस इवेंट में तृप्ति डिमरी नहीं पहुंची। वो इवेंट 12 बजे के करीब होना था, लेकिन 2 बजे उन इवेंट के आयोजकों को पता चला कि तृप्ति डिमरी तो मुंबई के लिए फ्लाइट ले चुकी हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर जो इंतज़ार कर रहे थे आयोजक और वहाँ पर जो मौजूद थे कार्यक्रम में, उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, जिसके बाद इवेंट में जो है ऐलान किया गया कि तृप्ति डिमरी की जो आने वाली फिल्में हैं उसका बायकॉट करेंगे। सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में बायकॉट किया जाएगा, क्योंकि वो उनके पैसे 2 लाख रुपए लेके भाग गई हैं। दूसरी तरफ इवेंट में जो तृप्ति डिमरी के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे, तो उन पोस्टरों पर भी कालिख पोती गई। तृप्ति डिमरी को ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर पता चल गई होगी, लेकिन कार्यक्रम था, कार्यक्रम में जाना था, ये उन्हें पता था या नहीं पता था, ये वो खुद क्लियर कर सकती हैं या फिर शायद करेंगी भी, क्योंकि ये मामला जो है वो यहीं थमता हुआ दिख नहीं रहा। और इस मामले की वजह से जो है वो तृप्ति डिमरी का जो करियर जो आगे बढ़ रहा है, हो सकता है कि उसको भी नुकसान पहुंचाए। लिहाजा तृप्ति डिमरी को ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये चूक कहाँ से हुई है, किस लेवल से हुई है, उनके लेवल से हुई है, उनकी पीआर टीम के लेवल से हुई है, या किसी और वजह से ये गलती जो है बड़ी गलती ये हुई है।